Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. द्वारका भाई एक बार फिर से हुई नाकामयाब, मुंह के बल गिरी द्वारका, एन मौके पे बाड़े में पहुंच गई अहिल्या बाई। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं। आपको बताता हूं मैं कि कैसे कैसे क्या होगा और कैसे द्वारका भाई फिर से फ्लॉप हो गई। तो पहले वही गुजारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी दबा दे, जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। दोस्तों, इस बार तो द्वारका भाई साहब को पक्का था कि भैया अक्का साहब को इस बार तो सबके सामने अपमानित करने का वो मौका नहीं छोड़ेगी और कामयाब हो जाएगी। इसी के लिए उसने देखा कि अहिल्या के उसकी पूरी की पूरी नजर जो खेलों में कम थी और बाहर ज्यादा थी, आखिर अहिल्या कहां पे है। तो उन्होंने आपने देखा कि कैसे तुकुजी की वाइफ को भेजा, बीवी को, पत्नी को भेजा पता करने के लिए और फिर वो जो है पता करके आ गई। तो एक नए प्रोमो में हम क्या देखते हैं कि बीच में रुकवा देती है वो खेला के, बस 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 रुको 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 थामा थामा। तो सब कहते हैं कि ये क्या हुआ। तो गौतमा भाई साहब भी कहते हैं कि ये क्या मतलब है। बोले नहीं नहीं बस बहुत हो गया, अब हम ही नाचते रहेंगे, हमने आधी खेल तो खेल लिए है, अब तो अहिल्या को बुलाओ उसके साथ ही खेलेंगे। तो यहाँ पे जो है सीता भाई भी कहती है कि हाँ मोटी आई, तो मैं भी अब जो है बहुत हो गया, अब मैं थक गई हूं, तो अब मैं अहिल्या के साथ ही बाकी के खेल खेलूंगी। यानी कि अब सबके सामने ये एक्सपोज करने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया अहिल्या तो है ही नहीं। बोली द्वारका भाई साहब ये कहती हुई नजर आते हैं कि ये मत कहिएगा अभी कि वो जाप कर रही है, क्योंकि वो ना तो अपने कमरे में है ना शिव मंदिर में है, ये हमने पता कर लिया है। तो यहाँ पे फिर जो है बाना भाई साहब को भी एक डायलॉग मिलता है, बोले अरे अच्छा वो इसका मतलब वो भाड़े में नहीं है, फिर कहां गई। और सब औरतें एक दूसरे की तरफ देखते चकित रह जाती है। इतने में दरवाजे से आवाज आती है मैं यहां हूं और अहिल्या भाई अंदर आती है और उसको देख के जो है गौतमा भाई साहब के चेहरे पे एकदम से खुशी, हरको और गौतमा के चेहरे पे खुशी आ जाती है और द्वारका भाई साहब के चेहरे पे फिर से निराशा आ जाती है कि यार ये मतलब एन मौके पे फिर वापस आ गई। अहिल्या भाई साहब पापी को पकड़ के पापी को हवालात में जो काल कोठरी में डालने के बाद फिर एन मौके पे यहां पे भी आ गई, जैसा कि हमने पहले कहा था कि इस तरह से करेगी अपना मंगला गौरी व्रत पूरा। तो कैसा लगा आपको ये जान के कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।